अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आमिर रफीक फ्रॉम 5G प्रॉपर्टीज, द प्लैटिनम सेल्स पार्टनर ऑफ लाहौर स्मार्ट सिटी एंड कैपिटल स्मार्ट सिटी। माशाल्लाह से लास्ट वीडियो को आपने मेरी बहुत पसंद किया, बहुत मुझे प्यार दिया और व्हाट्सएप मुझसे रब्ता किया और मशवरे लिए, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो 5 फरवरी 2022 को रिकॉर्ड की गई थी और इस वीडियो की रिकॉर्डिंग से हम सेक्टर वाइज ओवरसीज सेंट्रल की डेवलपमेंट चेक करने की कोशिश करेंगे, किस सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हुई है। इस टाइम डेवलपमेंट की मशीनरी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर जी में मौजूद है। ये ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर जी जो आपको ज़मीन के साथ बिल्कुल बराबर नज़र आ रहा है, यह आज से 2 माह पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 10 फीट की फिलिंग मौजूद है। डॉक्टर्स इनक्लेव के बाद दूसरा सेक्टर जिस पर तेज़ी से काम चल रहा है वो है सेक्टर जी। ये बात आप अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें कि ओवरसीज सेंट्रल हो जाए या ओवरसीज ईस्ट हो जाए या ओवरसीज प्राइम हो जाए या इवन एग्जेक्टिव वन के कुछ सेक्टर्स हो जाएं, कि यहाँ पर फिलिंग नहीं है। फिलिंग हर सेक्टर में मौजूद है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करें। हमें हमेशा रिस्क वर्सेज प्रॉफिट रिटर्न के ऊपर नज़रसानी करनी पड़ती है, असेसमेंट करनी पड़ती है। मैंने जब ज़ाती प्लॉट अपना लिया था ओवरसीज ईस्ट सेक्टर एल में, तो मेरी सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी 400 फीट की रोड प्लस ग्रैंड मस्जिद। सेक्टर जी की सबसे बड़ी अट्रैक्शन मेरी नज़र में ग्रैंड मस्जिद है, प्लस 400 फीट बुलेवार्ड के ऊपर बड़ा फ्रंट है और उसकी बैक साइड के ऊपर लेक फेसिंग ग्रैंड पार्क है। अगर आप इसमें फिलिंग की वजह से सिर्फ प्लॉट नहीं लेंगे सेक्टर जी में, तो आपके पास ये 3 पॉइंट्स इसके प्लस पॉइंट्स बिल्कुल मौजूद हैं और ये फ्यूचर में इसकी रीसेल को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज ज़रूर करेंगे। सेक्टर जी का एक और बड़ा प्लस पॉइंट वो ये है कि सेक्टर जी के साथ 180 फीट की रोड इसको एग्जेक्टिव ब्लॉक और ओवरसीज प्राइम के साथ कनेक्ट कर रही है। ये जो नीचे आप ज़मीन में मिट्टी के डंप्स देख रहे हैं, ये वही मिट्टी है जिसको फिलिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। सेक्टर जी के साथ 400 फीट की मेन बुलेवार्ड के ऊपर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। ये झील जो आप अपनी स्क्रीन पे अपनी लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, ये सेक्टर एफ में आ रही है। इसका कुछ हिस्सा मेन 400 फीट की बुलेवार्ड पे आ रहा है, कुछ हिस्सा इसके कमर्शियल्स में आ रहा है सेक्टर एफ के। अगर आप इसके मास्टर प्लान में गो थ्रू करें तो बीच में छोटा सा एरिया ग्रीन रखा गया है कमर्शियल्स में, वो इसमें अफेक्टेड होगा। और उसके साथ यही झील आगे एक्सपेंड हो रही है 12 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स के बैक साइड पे, जहाँ पर पार्क के लिए एरिया रिजर्व किया गया। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह है वो गवर्नमेंट रोड जो सेक्टर डी में आ रही है। गूगल अर्थ पर अगर आप सेक्टर एफ को देखेंगे तो आपको कटिंग एंड फिलिंग होती हुई नज़र नहीं आएगी, जबकि हकीकत में कटिंग एंड फिलिंग का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है सेक्टर एफ में। गूगल अर्थ की इमेजरी जो है हर 2 या 3 माह के बाद अपडेट होती है, इसलिए आपके साथ लाइव एक्सक्लूसिव ड्रोन की फुटेज के साथ हाजिर हूँ। इस रोड के साथ जो 2 मकान आप देख रहे हैं, ये अनअक्वायर्ड लैंड है जिसको सोसाइटी इन फ्यूचर होपफुली शायद अक्वायर कर ले। ट्रांसपेरेंसी को सामने रखते हुए ये एरिया अभी तक इन्होंने फॉर सेल नहीं रखा। गूगल अर्थ से टैली करते हुए ये एरिया मालूम हो रहा है सेक्टर जी का बिल्कुल एंड है, इख्तिताम है। और सेक्टर जी के साथ जो बगैर कटिंग एंड फिलिंग वाला एरिया था वो मेन फाइनेंशियल स्क्वायर है, जिसके ऊपर अभी तक कटिंग एंड फिलिंग का काम शुरू नहीं हुआ। ये कटिंग वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ये 400 फीट बुलेवार्ड का है। और सेक्टर जी के इख्तिताम के बाद सबसे लास्ट सेक्टर ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर सी, जहाँ पर ये झील आ रही है। सेक्टर सी में अप्रॉक्सीमेटली 10-20% ही काम हुआ है। अगर आपके पास चॉइस सिलेक्शन है तो सेक्टर सी को फिलहाल के लिए आप अवॉइड करें और 1 कनाल का प्लॉट, यानी कि सेक्टर सी 1 कनाल का ब्लॉक है, आप अपना 1 कनाल का प्लॉट किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट करें। अच्छा, गूगल अर्थ के ऊपर अगर आप देखें तो जहाँ पर ये झील आ रही है उसके इर्द गिर्द 1% भी काम नहीं हुआ। ओल्ड इमेजरी के मुताबिक 1% भी काम नहीं हुआ, जबकि सरप्राइजिंगली अगर आप झील के इर्द गिर्द देखें तो यहाँ पर मशीनरी का एक ब्लेड ज़रूर लगा है, जिससे ये पता लगता है कि सोसाइटी ने अप्रॉक्सीमेटली 70-80% सेक्टर सी की लैंड एक्वायर्ड कर ली है। सेक्टर सी का जो रिजर्व्ड एरिया है, यहाँ पर मोस्ट लाइकली ह्यूज चेंजिंग्स होंगी, क्योंकि बीच में ये 2 छोटी झील्स हैं, एक बड़ी झील है और एक छोटी झील है। और अगर आपके पास चॉइस सिलेक्शन में आ रही है और आप बजीद हैं सेक्टर सी में लेने के लिए, तो Street 3, Street 2, Lane 6, Lane 5 में आप ज़रूर लें। नीचे बॉटम साइड पे जो आप मशीनरी देख रहे हैं ये सेक्टर सी पर ही लगी हुई है। ये हुआ हमारा सेक्टर सी का इख्तिताम और अब हमारा आ रहा है सेक्टर ई ओवरसीज सेंट्रल का। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सेक्टर ई में लैंड एक्वायर्ड है, ब्लेड का एक फेरा लग चुका है, इसलिए यहाँ पर लैंड का सच कोई इशू नहीं है। फेजेस वाइज डेवलपमेंट होगी और इसके बाद आता है सेक्टर डी, जहाँ पर अभी तक कोई भी कटिंग एंड फिलिंग का काम नहीं हुआ, ना ही कोई ब्लेड फिरा है, इसलिए अगर आपके पास चॉइस है फिलहाल सेक्टर डी को अवॉइड कर लें। होपफुली मुझे उम्मीद है ये लैंड भी एक्वायर्ड होगी, चूँकि एक थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, इस वजह से सेक्टर डी को फिलहाल के लिए आप अवॉइड कर लें अगर आपके पास चॉइस सिलेक्शन मौजूद है।
ये हाईलाइटेड एरिया सोसाइटी अभी तक एक्वायर्ड करने में नाकाम रही है। इसमें छोटा वाला पैच लेफ्ट साइड वाला जो है लेन नंबर 4 के साथ छोटा ग्रीन पार्क मास्टर प्लान में उसमें हाईलाइटेड है, और जो राइट साइड पे बड़ा पैच है वो आपका लेन नंबर 5 के साथ सरकारी रोड वाले 3 प्लॉट्स उसमें अफेक्टेड हैं। बाकी लीनियर पार्क और उस लीनियर पार्क के साथ 50 फीट की रोड के साथ जो 5 मरला येलो कलर के रिजर्व प्लॉट्स हैं उसमें अफेक्टेड हैं। अब झील के साथ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सेक्टर F है ओवरसीज सेंट्रल का। यहाँ पर एक मकामी मकान यानी कि सोसाइटी अभी तक ये एरिया लैंड एक्वायर्ड करने में नाकाम रही है। इस वीडियो को मद्देनज़र रखते हुए सेक्टर F का 7 मरला आप इसको फिल फोर अपना अगर माइंड बना चुके हैं तो इसको अवॉइड करें। सेक्टर F में 7 मरला की इन्वेस्टमेंट फिलहाल आप ना करें। और हमारा लास्ट ब्लॉक ओवरसीज सेंट्रल का डॉक्टर्स इनक्लेव। डॉक्टर्स इनक्लेव का अप्रॉक्सीमेटली 50% कटिंग एंड फिलिंग का काम हो चुका है, कुछ में एस्फॉल्ट का काम भी हो चुका है। एस्फॉल्ट वाले काम में जिसमें स्ट्रीट्स का काम हुआ है वो है 7 मरला के। 7 मरला की सेफ इन्वेस्टमेंट डॉक्टर्स इनक्लेव में। उसके अलावा डॉक्टर्स इनक्लेव का जो 50% पे अभी तक काम हुआ है वो लेन नंबर 2 है, लेन नंबर 3 है, लेन नंबर 4 है। डॉक्टर इनक्लेव का 10 मरला फिलहाल मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर झील आ रही है तो मोस्ट लाइकली ये प्लॉट्स को रीलोकेट कर दिया जाएगा। और लेन नंबर 2, 3, 4 डॉक्टर्स इनक्लेव के एक कनाल के प्लॉट्स हैं, आप उनके वो प्लॉट्स जो कि गेट प्रेसेंट के करीब हैं शुरू के 7-8 प्लॉट्स उनको आप फिलहाल परचेजिंग के लिए अवॉइड करें, क्योंकि वो भी झील के साथ वो एरिया आ रहा है जिस पे अभी तक इन्होंने कटिंग एंड फिलिंग का काम नहीं किया। व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, ये टोटली बेस्ड ऑन माय ओन ओपिनियन एंड एक्सपर्टीज है। ऐसा नहीं है कि अगर अभी लिटिगेशन का इशू है या ज़मीन एक्वायर्ड नहीं है तो बाद में भी नहीं होगी। ओवरसीज ईस्ट के 2-3 ब्लॉक्स की इन्होंने ज़मीन एक्वायर्ड की है और उसको डिलीवर भी किया है। इट इज़ जस्ट अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर। ये उनके लिए बेहतर है कि जिनके पास चॉइस सिलेक्शन है वो उस जगह चले जाएँ जहाँ पर कटिंग एंड फिलिंग हुई हुई है और वेट करने से बचें। अदरवाइज जिनको प्लॉट या चॉइस मिलती भी है और वो इन जगह पे लेते हैं तो वो बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जस्ट टाइम टेकिंग इन्वेस्टमेंट होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज सेंट्रल की रीसेल काफ़ी बेहतर हो गई है, चीज़ें प्रॉफिट पे आ गई हैं, डिमांड हर फाइल की हर प्लॉट साइज़ की बढ़ गई है, हर चीज़ रैपिडली सेल हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह डार्क डेज आर ओवर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज यही मेरी मोटिवेशन है ताकि आपके लिए हमेशा की तरह अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहूं। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।